जीवन माता की कथा को कहे है पांच सात कड़ी में जीवन माता कथा क्यों इतना मैं खड़ा को टेमो जैसी बोलिए जीवन मैया की शिष बिना सुना रेण ज्ञान बिना हिड़ता सुना बाबा कुल सुना बिना भूत पात बिना तनवर सुना गज सुना बिना दंत नीर बिना सागर सुना एक घटा सुनी ब्रज दामनी कहे विक्रम सुन बेताल तो एक घर सुना बिन ताल शिष्य को त्यारे रेण ज्ञान को हिड़ता त्यारे अरे अरे कुल को त्यारे भूत पात को तरवर त्यारे गज को त्यारे दंत नीर सागरी को त्यारे एक घटा को त्यारे ब्रज दामनी कहे विक्रम सुन बेताल तो एक घर को त्यारे अब प्रिय सुनो जीवन माता कठे की बतावे गांव धंधुगी है शिक्रक ने घोरिया के पास में धंधु गांव है उन गांव री है पिताजी को नाम ठाकर गंगे सिंह जी और माता को नाम रताई तो प्रिय सुनो ठाकर गंगे सिंह जी प्रनीज के आपके घरे आवे बीटे रत्ता देवी कहने लगी है ठाकरा आप कदे वास्ते घर में आओगे तो खंगारो करके घरे ही आओगा तो बीटे ठाकर गंगे सिंह जी के दो संतान हुए बड़े लड़का का नाम हर्षनाथ भैरू और छोटी भाई जीवन तो समय की बात कवियों की कल्पना है एक दिन का समय ठाकर गंगे सिंह जी खंगारो नहीं करे सीधा ही घर में आ जाए रत्ता देवी नौतनी सिंगनी को रूप धारण करेडो जीवन माता ने हांचल देवन लाग रहा ठाकरा देखे कहने लगी बस ठाकरा थारा और महारा श्री संस्कार नहीं रहेगा इतो कहे रत्ता देवी तो कहे स्वर्गवास तो प्रिय सुनो हर्षनाथ भैरू पर नागे और ठाकर गंग जी भी कहे स्वर्गवास हो जीवन भाई छोटी ही करीब के पांच छह साल की होता ही सैलांग सागे गुडिया रमन लागरी तो भावे जागे जीवन ने किस बंदी कहर कहे अपनी राम सभा सुने दिखा तो बोलिए जीवन मैया की जय हो आया आहा आसुर से तय शिव रोंदे भी सारता ये भवानी मैया सुर से तय शिव रोंदे भी सारता भवानी जी मेरी मैया
हाँ हाथ दौड़ थन ये अर्ज करो मेरी मैया हाँ हाथ दौड़ अब प्रिय सुनो भाव चाके जीवन ने कहने लगी है जीवन अटखेलिया पार को पड़े नी और चुक लियो ले ले चलो आप समंतरा भी जीवन कहने लगी ना भाभी साहब मेरू माट को नहीं चलेगो पानी थे लियो मेरी अभी छोटी औस्तिया है बावजूद कहने लगी है ना तेरे साईनी सासे जीवन सासरो और कैसा सरिया भौड़ी तेरे साईनी तो अब सासरो साजे है जीवन नहीं समझी उल्टा सुल्टा बोल कहे जीवन कहने लगी भावत मेरी मत ना बोलो ये बड़ा बोल मेरे कोनी कही जय मायरी हे भावजे मेरा इस संसार गमा माँ बाप नहीं इसलिए तुमन मेना दे अरे अगर मेरा माँ बाप जिंदा होता तो थे मनीषा बोल कर दे कोनी सुनो जीवन भाई रोन लागे जीवन रोवन लागेगी जीवन रोवन लागेगी चार नेना ढड़क्यों नीर छोटी थकीरा माँ बाप मरिया तो मेरी लौट गई सजनो लड़ती झगड़ती भाउज के आगे आगे बीर हुई है समंतला पर आगे दोनों को किस बात की फेर विवाद हुए है और क्या अपनी राम सभा सुनी बल जीवन मैया की अरे लड़ती झगड़ती Bye.
भावस नौ जीवन और भावस दोनों लड़ती झगड़ती भी रोई है समतला पर आ गए। भावज कहने लगी है जीवन थारू पहला घड़ो मैं भरूंगा मेरे पिंग में रोए नानो लाले बाबा। हे जीवन भाई थारू पहला घड़ो मन भरण दे मेरे पिंग मां छोटो सो लाल रोन लाग रहे है। जीवन कहने लगी ना भावज मेरी थारू पहला घड़ो मैं भरूंगा मेरे अड्डी कैसे लियांगो छोटी छोटी सहेलियां ने गुडिया रमते छोड़ के आई हूं अरे इसलिए भावज थारू पहला घड़ो मैं भरूंगा। भावज कहने लगी जीवन तू घड़ो भरने की बात करे तन ठाए के कुआ बावड़ी किंगा है किंगा के जे कुआ बावड़ी और कह किंगा के जे संबंधी एक किंगा है। जीवन कहने लगी मेरे बाप लगा के जे कुआ बावड़ी और मेरे बीरो सागर संबंधी भावे जे तुम्हारा ही है। भावज कहने लगी नहीं जीवन ए मेरे सुसरे का कीजे कुआ बावड़ी और परिणंगा संबंधी ए समंतला कुआ बावड़ी तो मारा है थे तो कोई आग लो घर देखो इस वादी जीवन ने उल्टा सुल्टा बोल करे। जीवन कहने लगी भावज मेरी मरिया तो तक मैं माँ बाप तो मरिया है मेरो भाई है हर्षनाथ बिन मैं जाके पुकारूंगा तेरी नथलिया कटा दे सू बीटे। भावज कहने लगी भाई करोड़ गुमान है के चाल जीवन आप घड़ो लेके घरे चला अगर तेरो भाई है जो तो पहला तेरो घड़ो उतरासी हनास मेरो उतराई। जीवन कहने लगी भावज मेरी तू तो पराई जाइए प्रभो मेरो मागो जायो भाई है पहला मेरो घड़ो तो सुनो। भावज कहने लगी सुन बात अगर मेरो पहला तेरो घड़ो उतरा दियो तो मैं घर से निकल जाऊंगी और मेरो उतरा दियो तो तन अवश्य जानो ही पड़ेगो। सुनो दोनों ऑप्शन मां कॉल करके कृष्णा जी घरे आवे और कहीं आगे भगवान की लीला बने बोलिए जीवन मैया की जय हो। सिर पैर तक लिया
नाथ फेरूंगी।